हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? वेलकम टू भाई की एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। ये सब्जेक्ट मतलब ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मोस्टली बहुत कम मिलता है, इसलिए मैंने मतलब आंसर था नहीं लेकिन बना कर लिखना था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए दिया है। स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नंबर 10, बी आ क्राफ्ट्समैन। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है, उसका आंसर खुद से लिखना है ना, या तो मतलब ऐसे तो आपको प्रैक्टिकली प्रिपेयर करना है, बट मैंने आपके लिए बना दिया और आंसर 100% करेक्ट है, तो आपको टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। ये आंसर लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बी आ क्राफ्ट्समैन, तो प्रिपेयर करना है क्या, एक कार्ड या तो एनवलप। ठीक है, दोनों में से जो भी आप बोलना चाहो उसको। विद द फैंसी पेपर शीट दैट यू हैव नाउ मेक ग्रीटिंग कार्ड। एक पेपर शीट लेना है एनवलप फॉर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है, फ्रेंड्स एक्सेट्रा जिसके लिए भी बनाना है, और उसको फाइंड अ स्मॉल पोएम्स टू राइट इन साइड, उसमें कोई स्मॉल पोएम लिख देना है ना, जैसे कुछ भी नहीं भी लिखोगे ना, हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे लिख दो या बेस्ट विशेज फॉर मॉम ऐसा लिख दो वो भी चलेगा। स्टिल राइट न्यू लाइन्स लिखना है। प्रेजेंट इट सम ऑन हिज हर बर्थडे स्पेशल देना है, तो आप बना सकते हो जैसे भी आपको। तो ये सारी चीज़ें बस आपको लिखना है उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको यहाँ से आंसर कॉपी कर सकते हो, और कुछ अपने से न्यू लाइन भी ऐड करना चाहते हो उसके अंदर लिख कर, तो वो चीज़ें जैसे बताई गई है कि क्या क्या चीज़ें आपको लगेगी एक ग्रीटिंग कार्ड या एनवलप बनाने के लिए। ठीक है, चलो तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।